नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर एक अस्पताल वाहन ने शिक्षिका को जोरदार भिड़ंत किया। इसी बीच जानकारी के मुताबिक परिजन कह रहे हैं कि टहलने निकली थी, इस दौरान बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम सामने रहा है। खबर ललितपुर से, जहां पर जिले की कस्बा महरौनी में रविवार की सुबह अपनी पुत्री के साथ टहल रही एक शिक्षिका को बताया जा रहा है कि अस्पताल वाहन ने भिड़ंत कर दिया, जिसमें शिक्षिका के हालात ठीक नहीं थे। परिजन उन्हें उपचार के लिए CHC में दाखिल कराया, जहां पर उनकी मृत्यु होना सामने रहा है। जानकारी के मुताबिक कस्बा महरौनी निवासी सुमन पत्नी सत्येंद्र सिंह एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। रविवार की सुबह अपनी पुत्री सहना के साथ घूमने के लिए निकली थी। इसी दौरान ललित रोड स्थित एक निजी विद्यालय के सामने पहुंची तो बताया जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर एक एम्बुलेंस ने जोरदार भिड़ंत किया। इस दौरान ये जानकारी सामने आ रही है। राजकीय CHC पहुंचाया गया तो यहाँ पर उन्हें घोषित कर दिया। फिलहाल PM कर उन्हें परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तमाम खबरों के लिए बन रही चैनल पर लाइक शेयर करना चाहेंगे।